जय हिंद दोस्तों, योर एनसीसी बड़ी यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विष्णु प्रसाद, आरडीसी रिटर्न 2022 फ्रॉम ओडिशा डायरेक्टरेट। स्पेशल अचीवमेंट है डीजी कमेंडेशन कार्ड ड्यूरिंग आरडीसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर हैंड स्विंग का तरीका और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दो खाली वाला वाटर बॉटल लेना है और उसमें पूरा रेत भर देना है। बोतल के साइज़ की बात करें तो दोनों बोतल 500 ml या आधा लीटर का होगा। प्रॉपर हैंड स्विंग के लिए 500 ml वाला वाटर बोतल ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देता है। वाटर बोतल को पकड़ने के लिए आसान होता है, इसीलिए वाटर बोतल हैंड स्विंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रेत वाला बोतल से कैसे स्विंग करें? सबसे पहले बोतल को एक अच्छा ग्रिप देना है। हाथ को सामने की तरफ कंधे की लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है। चेस्ट अप, निगाह सामने और दाहिने हाथ को सपोर्ट देने के लिए बाएं हाथ को कंधे पे रखना है और स्विंग करना है कुछ इस प्रकार से। पीछे की तरफ अपना हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा फेंकने की कोशिश करें। सामने कंधे से थोड़ा ऊपर लाके रोकना है, आगे रोकना है और पीछे ज़्यादा से ज़्यादा फेंकना है। हैंड स्विंग करते वक्त अपना कंधा को रिलैक्स कर देना है और अपना बॉडी को चेस्ट अप करके थोड़ा सा टाइट करना है। दोस्तों, ऐसे बहुत कैडेट है जिनका हाथ प्रॉपरली सीधा स्विंग नहीं होता है। शीशा को देख के प्रैक्टिस करने से ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और आपके हाथ का स्विंग भी बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, एक सेट में 30 से 40 बार स्विंग कीजिए और रेस्ट दे देकर 5 सेट की स्विंग कीजिए। दोस्तों, राजपथ में मार्च करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड का स्विंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको ऐसे ही बोतल के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। 13, 14, 15, 16। दोस्तों, दाहिने हाथ के साथ जैसे प्रैक्टिस किए थे वैसे ही अपना बाएं हाथ के साथ भी प्रैक्टिस करना है। एक सेट में 30 से 40 बार का स्विंग करते हुए 5 सेट की प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, सिंगल हैंड प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है डबल हैंड प्रैक्टिस की। दोस्तों, डबल हैंड प्रैक्टिस में अपने दोनों हाथ में बोतल लेके दोनों हाथ को आगे पीछे स्विंग करते रहना है। दोस्तों, राजपथ परेड में राइट हाथ पे राइफल लेके लेफ्ट हाथ को स्विंग करना पड़ता है, पर पीएम रैली का कंपटीशन हो या डीएसटी हो या फिर कोई कॉलेज का मार्चिंग हो, इन सभी में दोनों हाथ का स्विंग करना पड़ता है। दोस्तों, हर कोई बोलता है कि ईंट लेके प्रैक्टिस करो, पर चाहे वो ईंट छोटा हो या बड़ा, उसमें ग्रिप नहीं बनता है। हाथ में ग्रिप नहीं बनेगा तो प्रॉपरली स्विंग भी नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, ईंट का ग्रिप कैसा है और बोतल का ग्रिप कैसा है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर प्रॉपर हैंड स्विंग। इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। आपका पार्टनर या दोस्त या फिर बड़ी आपके हाथ को अच्छे से ग्रिप बना के कुछ इस तरीके से पकड़ना है और अच्छे से ग्रिप होने के बाद आपको धीरे धीरे बैठना है और धीरे धीरे वैसे ही उठना है। इस स्ट्रेचिंग को आप जितना चाहें उतना कर सकते हो, इसमें आपकी ही बहुत ही फायदा है। अगर आप घर में है, कुछ ऐसा वाला ग्रिल या फिर दीवार का सहारा लेके भी ये वाला स्ट्रेचिंग आप अकेले भी कर सकते हो। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि यह वाला वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप कमेंट। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।